मैं सुधीर, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल स्कोरमैक्स पर। और आज हम कवर करेंगे आपके स्ट्रेटजी के मीनिंग और कॉन्सेप्ट को ऑन द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के अंदर क्या मीनिंग समझते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है आपके स्ट्रेटजी का। तो अगर हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ स्ट्रेटजी, कि स्ट्रेटजी की मीनिंग क्या होती है, कहाँ से इसको डिराइव किया गया है, पहले कहाँ यूज़ किया गया, उसके बाद इसको किस तरह अडॉप्ट किया गया अलग अलग फील्ड्स के अंदर। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्ट्रेटजी वर्ड के यूज़ की, द टर्म स्ट्रेटजी वॉज प्राइमली यूज इन मिलिट्री एंड वॉज लेटर अडॉप्टेड फॉर द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले कहाँ यूज़ किया गया स्ट्रेटजी का, आपका यूज़ किया गया है मिलिट्री के अंदर। उसके बाद हम कह सकते हैं इसको मैनेजमेंट के अंदर, लॉज के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, आपके अलग अलग सेक्टर्स के अंदर यूज़ किया गया, लेकिन प्राइमरी का यूज़ कहाँ हुआ इसका, मिलिट्री के अंदर। अब कहाँ से ड्राइव हुआ, इट वॉज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड स्ट्रेटजोस। तो इसको ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है। ग्रीक वर्ड कौन सा वर्ड था आपका, स्ट्रेटजोस। स्ट्रेटजोस को दो वर्ड्स को मिलाकर बनाया गया था, पहले था स्टेटोस और दूसरा था एगोस। अगर स्टेटोस की बात करें तो होता है मींस आर्मी, एंड एगोस का मतलब होता है इम्प्लाइड टू लीड। मतलब टोटली ये स्टार्टिंग में आर्मी के लिए ही इस वर्ड को डेवलप किया गया था। इसमें होता क्या है कि इट इज़ अ सेट ऑफ कोहेरेंट एक्शंस विच आर परफॉर्म इन ऑर्डर टू गेन अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। क्या होता है, एक सेट होता है आपके कोहेरेंट एक्शंस का। कोहेरेंट एक्शंस क्या होता है, अगर आपके पास कोई स्टेप्स है, स्टेयर्स हैं, तो ये नहीं है कि आप डायरेक्टली पहले स्टेज से डायरेक्टली लास्ट स्टेज पर पहुंच जाओगे। आप पहले से दूसरे पर जाओगे, दूसरे के बाद तीसरे पर, तीसरे से चौथे पर, फिर आप अपने लास्ट स्टेज पर पहुंचोगे। मतलब एक कह सकते हैं कंटिन्यूस फॉर्म होती है आपके एक्शंस की, आपकी एक्टिविटीज़ की, जिसके थ्रू कि आप अपने गोल्स को अचीव करते हैं, अपने काम को कर पाते हैं, अपने जो आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होती हैं उसका बेनिफिट उठा पाते हैं। तो वो होता है आपका स्ट्रेटजी। So the strategy is defined as a plan deployed at each level of management for the attainment of objective and realization of long-term goals of the organization. Strategy क्या है, इस तरह हम define कर सकते हैं कि एक plan है जिसको कि management के हर level पर deploy किया जाता है। किसके लिए किया जाता है, कि जिसके through कि अपने organizations के goals को और जो भी objectives हैं उनको फिलफिल कर सके, उनको कह सकते हैं अचीव कर सके। तो ये है आपका इन शॉर्ट स्ट्रेटजी। अब थोड़ा ब्रीफ में देखते हैं। सो इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, जो आपका स्ट्रेटजी होता है ये थोड़ा ब्रॉडर हो जाता है, थोड़ा कह सकते हैं एक्सटेंड हो जाता है कंपैरिजन टू आर्मी या मिलिट्री फोर्सेस। सो स्ट्रेटजीज आर यूज्ड टू एक्वायर अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ओवर अदर्स इन एनी फील्ड। देयर कैन बी जनरल और स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। तो स्ट्रेटजीज क्या है, इसके अंदर हम देखते हैं कि किस तरह अपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को एक्वायर करें, उनका यूज़ कर औरों से बेटर बने। अब कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता क्या है, अब देखिए आपके पास ये एक फर्म है ए फर्म, दूसरी है यहाँ पर बी फर्म। अगर ए फर्म की बात करें, इसके पास ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, इसके पास सिर्फ 100% है। और बी के पास कितना ह्यूमन रिसोर्स है, इसके पास है 120। तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन करें तो इसके पास 20 ह्यूमन रिसोर्स ज़्यादा है। मतलब जब आपके पास कोई चीज़ ज़्यादा है तो आप उस 20 ह्यूमन रिसोर्स का किस तरह यूज़ करोगे कि आप ए से बेटर बन पाओ, ए से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओ या ए से ज़्यादा अपना प्रॉफिट गेन कर पाओ। तो वो होता है आपका कह सकते हैं स्ट्रेटजी। इसके अंदर हम कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की बात करते हैं। कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, आपके पास अपने कॉम्पिटिटर से कुछ रिसोर्सेज एक्स्ट्रा हैं, तो आपको एक प्लान करना होता है, स्ट्रेटजी डेवलप करनी होती है, एक एक्शंस को डिसाइड करना होता है कि किस तरह आप उन एडिशनल रिसोर्सेज का यूज़ कर अपने प्रॉफिट को, अपने गोल्स को अचीव करोगे। अब आपकी स्ट्रेटजी जो होती है वो जनरल भी हो सकती है और कोई स्पेसिफिक भी हो सकती है, डिपेंड ऑन कंडीशंस, डिपेंड ऑन एनवायरनमेंट, डिपेंड ऑन सिचुएशन। सो ऑर्गेनाइजेशंस डिप्लॉय स्ट्रेटजी फॉर वेरियस पर्पसेस सच एज द सेटिस्फाइंग कस्टमर्स। अब कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है तो कंपनी यहाँ पर कोई स्ट्रेटजी लगा सकती है। मार्केट में सर्वाइव करना है तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। एक्सपेंड करना है बिजनेस तो उसके लिए अलग स्ट्रेटजी हो सकती है। अपने मार्केट शेयर को इम्प्रूव करना है तो अलग स्ट्रेटजी होगी। उसके साथ ही साथ अगर आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना चाहते हैं या अपने ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करना चाहते हैं तो इसके लिए अलग स्ट्रेटजी होगी। हर ऑब्जेक्टिव के लिए हम अपनी एक अलग स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं।
जिससे अगर मैं बात करूँ अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर मैं अपने प्रॉफिट जो मेरा प्राइस वैल्यू होती है प्राइस की, उसको लोअर लेवल पर लेके आऊँगा, जिसके थ्रू कि मैं अपनी पूरी मार्केट को कैप्चर कर सकूँ। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है, तो अपने प्राइस के प्रोडक्ट्स को मैं कह सकता हूँ इंक्रीज़ करूँगा, साथ के साथ उसकी जो क्वालिटी है उनको भी इंक्रीज़ करूँगा, जिससे वो कह सकते हैं कि कॉम्पिटिशन को भी फेस कर सके और अपनी प्राइसिंग से भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सके। तो आपकी जो कह सकते हैं स्ट्रेटजी होती है, वो जनरल स्पेसिफिक किसी भी तरीके की होती है, बस डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है, सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं। नेक्स्ट वन इज स्ट्रेटजीज आर यूज्ड एज अ रिस्पॉन्ड टू द चेंज इन एनवायरनमेंट। अब हम स्ट्रेटजी बनाते ही क्यों हैं? आप खुद देखिए, अगर एनवायरनमेंट हरदम स्टेबल चलता रहे बिजनेस का, तो आपने एक बार कोई स्ट्रेटजी बना दी वो लाइफ टाइम चलती रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है बिजनेस के अंदर। बिजनेस हमारा क्या है, डायनेमिक नेचर का है, डे बाय डे हमारा जो कह सकते हैं इन्वायरमेंट है, कस्टमर्स की नीड्स है, डिमांड है, इन्फ्लेशन है, कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशंस है, पॉलिटिकल कंडीशंस, डेली सारी चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो जैसे जैसे इन्वायरमेंट में चेंज होता है, चेंज कैसा भी हो सकता है हमारे कस्टमर्स की इनकम में चेंज आ गया हो सकता है, हमारी इकोनॉमिक जो भी इन्फ्लेशन रेट था उसमें चेंज आ गया हो, पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो गई हो, हमारे कह सकते हैं ज्योग्राफिकल एरियाज चेंज हो गए, मतलब कोई भी चेंज इन्वायरमेंट का जब वो चेंज होता है, तो उसके साथ चलने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए, उसके अकॉर्डिंग ही अपने काम को करने के लिए हम कुछ ना कुछ स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का यूज़ करते हैं। हम देखते हैं अगर कोई इन्वायरमेंट बदला है, तो उसके अंदर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या स्ट्रेंथ है इस बदले हुए इन्वायरमेंट के साथ, और हमारी कौन सी वीकनेस सामने आई है जिसको कि हमें कवर करना है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद देखते हैं कि द मेन एम फॉर फ्रेमिंग स्ट्रेटजी, कि स्ट्रेटजी को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है बिहाइंड फ्रेमिंग स्ट्रेटजी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, सीक आउट द अपॉर्चुनिटीज। कैसी अपॉर्चुनिटीज, जो भी फेवर बाय द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अब इन्वायरमेंट में कोई चेंज हुआ, हो सकता है लोगों की इनकम इंक्रीज हो गई, मार्केट में कॉम्पिटिटर्स खत्म हो गए, मार्केट में मोनोपोली क्रिएट हो रही है आपकी, या कह सकते हैं कोई एक ऐसी डिमांड आई कस्टमर्स की जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं, मतलब ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी जो कि आपके फेवर में हो, तो उस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाने के लिए हम यूज़ करते हैं, फ्रेम करते हैं स्ट्रेटजी को। और दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मिटिगेट द थ्रेट्स, मतलब जो भी थ्रेट्स होते हैं, जो भी रिस्क होते हैं मार्केट के अंदर, जो हमारे लिए खतरा बन सकते हैं। हो सकता है कोई नया कॉम्पिटिटर मार्केट में आया, अब उसके प्रोडक्ट मेरे से बेटर थे, ये तो वो मेरे लिए खतरा बन सकता था, बट मैं वहाँ पर किस तरह स्ट्रेटजी को डेवलप करूँगा, बिल्ड करूँगा कि मैं अपने प्रोडक्ट को उससे बेटर बना सकूँ। तो यहाँ पर हम बात करते हैं मिटिगेट द थ्रेट्स, थ्रेट्स को कम करने की, ख़त्म करने के लिए हम स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं। द ऑर्गेनाइजेशन कैन अडॉप्ट स्ट्रेटजी टू अचीव द डिजायर्ड पोजिशन इन द स्ट्रेटजी। और ऑर्गेनाइजेशन इसका क्यों यूज़ करती हैं, अपनी डिजायर्ड पोजिशन को अचीव करने के लिए, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो उसकी एक कह सकते हैं कि डिज़ायर पोजीशन होती है कि हाँ इस इंडस्ट्री का मुझे पीक तक पहुंचना है, पीक लेवल पे आना है। तो उस लेवल तक पहुंचने के लिए हम बहुत सारी कह सकते हैं स्ट्रेटजीज को अडॉप्ट करते हैं, तो उसके कह सकते हैं अपने वर्क को, स्टेप्स को उसी फॉर्म में करते रहते हैं। तो स्ट्रेटजीज किन किन चीज़ों पर फोकस करती है अभी तक हमने जितना पढ़ा है, तो सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशंस पैटर्न ऑफ रिस्पॉन्स टू इट्स इन्वायरमेंट, कि जैसा इन्वायरमेंट होगा ऑर्गेनाइजेशन उसी हिसाब से रिस्पॉन्स करेगा, पहली चीज। और दूसरा है अचीविंग गोल्स एंड मिशंस। तो स्ट्रेटजी मेन फोकस दो ही है, पहला तो स्ट्रेटजी इसलिए बना रहे हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन की गोल्स को, मिशंस को अचीव कर सकें, और इन्वायरमेंट अगर चेंज हो रहा है तो उस चेंज के हिसाब से ही अपने इन्वायरमेंट को भी हम बदल सकें, रिस्पॉन्ड कर सकें। तो ये बेसिक आपके कह सकते हैं वर्क होते हैं स्ट्रेटजी के। स्ट्रेटजी एज एक्शन इंक्लूसिव ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग एंड स्ट्रेटजी एज एक्शन एक्सक्लूसिव ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग। हमारे पास कई थिंकर्स थे, कई फिलोसफर्स ऐसे हैं जिनका मानना है कि जो आपकी स्ट्रेटजी होती है इसके अंदर आप अपने ऑब्जेक्टिव को इंक्लूड कर चलते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका मानना ये है कि हम इसके अंदर अपने ऑब्जेक्टिव को छोड़कर ही स्ट्रेटजीज को डेवलप करते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्ट्रेटजी एज एक्शन इंक्लूसिव ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग, तो इनकी बात है, ये इनका जो मानना है, इनकी जो थिंकिंग फिलॉसफी है कि जब भी हम स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से ही हम अपनी स्ट्रेटजी को डेवलप करते हैं। तो इसको किसने डेवलप किया था, इस स्ट्रेटजी को या इस जो भी फिलॉसफी है, इन 1960s चैंडलर मेड एन अटेम्प्ट टू डिफाइन स्ट्रेटजी एज द डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिंग लॉन्ग टर्म गोल्स
एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एन एंटरप्राइजेस एंड द एडॉप्टेशन ऑफ द कोर्सेज ऑफ एक्शंस एंड देन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट दीज गोल्स। तो 1960 के अंदर चैंडलर ने एक डेफिनेशन दी थी स्ट्रेटजी की, किसके हिसाब से, इंक्लूसन ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग्स। तो इनका मानना था कि आप जो भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल्स को डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, आपके जो भी गोल्स हैं, आपके जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको पूरा करने के लिए आपको एक कोर्स ऑफ एक्शंस की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके अंदर आप अपने रिसोर्सेज को इक्वली एलोकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसके थ्रू कि आप अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से उन गोल्स को, उन कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकें। तो यहाँ पर स्ट्रेटजी क्यों डेवलप करी जा रही है, आपके गोल्स को, आपके ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो डेफिनेशन किन किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है, तो सबसे पहला है डिटरमिनेशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स। आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स बनाने होते हैं। इसके बाद देखना होता है आपको एडॉप्टेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन, कि आपको किस तरह काम करने हैं, कौन कौन से स्टेप्स उठाने हैं उन गोल्स को, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। एंड लास्ट होता है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का यूज़ कर मैक्सिमम प्रॉफिट आपको अचीव करना है, अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तो ये होता है आपका अकॉर्डिंग टू चैंडलर के हिसाब से कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए या किस किस चीज़ों के ऊपर कह सकते हैं मेनली फोकस करते हैं। अब बात करते हैं स्ट्रेटजी एज एक्शन एक्सक्लूसिव ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग। अब ऐसे भी बहुत सारे थिंकर्स थे जिनका मानना है कि हम स्ट्रेटजी के अंदर किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को लेकर नहीं चलते। तो उसमें देखेंगे, दिस इज द अनदर व्यू इन विच स्ट्रेटजी हैज़ बीन डिफाइंड इन अ वे इन विच द ऑर्गेनाइजेशन रिएक्टिंग टू इट्स इन्वायरमेंट डिप्लॉय इट्स प्रिंसिपल रिसोर्सिस एंड साइफंस इट्स एफर्ट्स इन परस्यूट ऑफ इट्स पर्पसेस। तो दूसरा क्या मानना है कि इन्वायरमेंट के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। अब ये देखते हैं कि जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज होगा उसी हिसाब से अपने आप को चेंज करेंगे। तो ये कौन सा हमारी स्ट्रैटेजी थी, कि स्ट्रैटेजी एज एक्शन एक्सक्लूसिव ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग। तो इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले था कि आपको अपने लॉन्ग टर्म गोल्स डिसाइड करने हैं, कह सकते हैं आपकी जो भी ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, उसके बाद आपको अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना है उनके अंदर, जिसके थ्रू कि आप अपने गोल्स को, एक्शंस को अचीव कर सको। और यहाँ पर ये बात करते हैं कि आपका जैसा भी इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उसके हिसाब से आपको रिएक्ट करना होता है, अपने रिसोर्सेज को कह सकते हैं अलॉट करना होता है, एलोकेशन करना होता है, और फिर आप उनको अलॉट कर इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चला पाते हैं, अपने एक्शंस को ले पाते हैं। तो ये होता है एक्सक्लूसिव ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग। इसको किसने दिया था, माइकल पोर्टर। सो माइकल पोर्टर हैज़ डिफाइंड स्ट्रेटजी एज अ क्रिएशन ऑफ यूनिक एंड वैल्यू पोजिशन इन्वॉल्विंग अ डिफरेंट सेट ऑफ एक्टिविटीज़। जिनके हिसाब से क्या था कि आपकी जो भी कह सकते हैं स्ट्रेटजी होती है, इसमें बहुत सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को मिलाया जाता है, मतलब बहुत सारे सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को क्रिएट करना ही वैल्यू के हिसाब से, पोजिशन के हिसाब से ही क्या कहलाता है, स्ट्रेटजी कहलाता है। द ऑर्गेनाइजेशन डैट इज स्ट्रेटजिकली पोजिशन परफॉर्म डिफरेंट एक्टिविटीज़ फ्रॉम राइवल्स और परफॉर्म सिमिलर एक्टिविटीज़ इन डिफरेंट वेज। तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, या तो अपने राइवल्स के हिसाब से अपनी एक्टिविटी को प्लान करता है, या कह सकते हैं सेम एक्टिविटी करता है उनसे किसी ना किसी वे में अपने आप को बेटर दिखाने के लिए। तो ये था आपका स्ट्रेटजी एज एक्शन एक्सक्लूसिव ऑफ ऑब्जेक्टिव सेटिंग। मतलब यहाँ पर हम ये नहीं देखते कि हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं, जैसा इन्वायरमेंट चेंज होता रहेगा उसके हिसाब से अपने आप कह सकते हैं एक्शंस को डेवलप करते रहते हैं और उनको करते रहते हैं। अगर हम कंक्लूजन देखें, हमने जितना भी स्ट्रेटजी को देखा है, तो इन सिंपली हम कह सकते हैं स्ट्रेटजी क्या है, एक मैनेजमेंट प्लान है। क्या है इसके अंदर, अचीविंग इस ऑब्जेक्टिव, एक मैनेजमेंट प्लान है जिसका कहाँ यूज़ किया जाता है, आपके ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। इट बेसिकली इंक्लूड्स डिटरमिनेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेट पथ टू एन ऑलरेडी एस्टेब्लिशमेंट मिशन और ऑब्जेक्टिव्स एंड इवेंचुअली चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव टू बी अडॉप्टेड। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अब उन ऑप्शंस के अंदर से हमारे लिए कौन सा बेस्ट प्लान अवेलेबल है जिससे हम मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, अपने गोल्स को इजिली अचीव कर सकते हैं, तो हमें देखना होता है। तो वो काम किसके अंदर करते हैं, हम स्ट्रेटजी के अंदर। हमारे पास अब हो सकता है, हमारे पास चार एक्शन थे,
1, 2, 3, 4 हमारे पास चार ऑप्शन थे किसी भी गोल्स को अचीव करने के लिए। अब हम स्ट्रेटजी के हिसाब से देखेंगे कि हो सकता है या तो मैं अपने प्रोडक्शन को बढ़ाकर अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर लूँ, या सकता है मैं अपनी क्वालिटी को बढ़ाकर अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर लूँ, अपनी सेल्स टेक्निक को बढ़ाकर अपनी प्रॉफिट को इंक्रीज कर लूँ, या अपने जो सोशल वर्क हैं इनको बढ़ाकर मेरा अपने गोल को अचीव कर लूँ। गोल क्या था? प्रॉफिट को इंक्रीज करना। अब इन चारों के अंदर से मैं किस स्टेप को फॉलो करूँगा, किसका सिलेक्शन कर रहा हूँ उस चीज़ को अचीव करने के लिए, तो वो होएगा मेरा स्ट्रेटजी। अब मैं इन चारों को तो लेकर नहीं चलूँगा ना। हो सकता है मेरी स्ट्रेटजी हो सकती है कि मैं क्वालिटी के ऊपर वर्क करूँगा। अब अगर मैं क्वालिटी के ऊपर वर्क करूँगा तो हो सकता है जो भी कस्टमर्स को मेरे प्रोडक्ट पसंद आ रहे थे वो आगे अपने आप दूसरों को रेफ़र करेंगे, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे भी हमारे कस्टमर्स होते हैं जो सिर्फ क्वालिटी के हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं। हो सकता है यहाँ पर मेरी दूसरी हो सकती है मैं यहाँ पर स्ट्रेटजी कि प्रोडक्शन की ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर दो, जब प्रोडक्शन ज़्यादा होएगा कॉस्ट कम हो जाएगी तो अपने आप अपना प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, इवेल्युएट करते हैं सारे प्लान्स को। मैं सबको एक एक करके इवेल्युएट करूँगा, इनके मेरिट्स, इनके डिमेरिट्स सब कुछ इवेल्युएट करूँगा, और सबको इवेल्युएट करने के बाद किसी एक का फाइनल सिलेक्शन करूँगा जिसको कि मैं आगे कंटिन्यू करूँगा अपने गोल्स को, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो ये था आपका कंप्लीट कह सकते हैं मीनिंग और कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटजी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि स्ट्रेटजी होता क्या है, क्योंकि एग्जाम में अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या शॉर्ट नोट्स आते हैं तो आप सिर्फ ये 2 लाइन नहीं लिख सकते कि आपका स्ट्रेटजी कह सकते हैं एक मैनेजमेंट प्लान है जिसका आप यूज़ करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को पूरा करने के लिए। 5 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है तो उसके हिसाब से आपको इसको एलेबरेट करना पड़ेगा, कि जैसे मैंने आपको बताया कि पहले इसको कहाँ यूज़ किया गया मिलिट्री के अंदर, इसको कहाँ से डेवलप किया गया है, आपके ग्रीक से डेवलप किया गया है, उसके बाद इसका क्या क्या मीनिंग था, क्या क्या हमारे पास थिंकर्स की फिलॉसफी थी, क्या क्या आइडियाज़ थे, उसमें लास्ट में फिर आपको कंक्लूजन दे देना है कि फाइनली आपको स्ट्रेटजी से क्या समझते हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई इशू है, कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड विद स्कोरमैक्स।